महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अक्षय तृतीया के दिन महाआरती करने का फैसला वापस ले लिया है। राज ठाकरे ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। दरअसल 19 अप्रैल को पार्टी की तरफ से 3 मई को अक्षय तृतीया पर राज्य भर में कार्यकर्ताओं से स्थानीय मंदिरों में लाउडस्पीकर पर महाआरती करने का आह्वान किया था। इसी दिन ईद भी है, जिसके चलते ठाकरे ने अपना फैसला वापस लिया और महाआरती रद्द कर दी। राज ठाकरे ने ट्वीट में लिखा, ईद का त्यौहार है, मैंने इस बारे में औरंगाबाद की सभा में भी बात की थी। मुस्लिम समुदाय के इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। अक्षय तृतीया की तरह अपने त्यौहार के दिन कहीं भी आरती ना करें, जैसा कि पहले तय किया गया था। हमें किसी के पर्व में कोई बाधा नहीं डालना है। लाउडस्पीकर का विषय धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है और हमें इसके बारे में वास्तव में क्या करना है, मैं ये ट्वीट कर जानकारी दूंगा। अभी के लिए इतना ही। पिछले कुछ दिनों से राज ठाकरे की तरफ से मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर लगातार बयान दिए जा रहे हैं। इसे लेकर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को 4 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा को दुगनी आवाज से बजाया जाएगा। आपको बता दें, हाल ही में राज ठाकरे ने औरंगाबाद में रैली की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लाउडस्पीकर का विषय धार्मिक नहीं सामाजिक है और उसी दृष्टि से इसे देखना चाहिए। इसलिए हमने तय किया है कि अगर आप 5 बार लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेंगे तो हम भी दिन में 5 बार मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।